सब्सक्राइब केटी गेमिंग, सब्सक्राइब कर दो लड़को। चलो भी हम चलते हैं, बाय। गाड़ी खड़ी है बाहर तो वो ना हो जाए। यो बाय। 25-30 बैट्स पड़े हैं, अराउंड 60,000। दिखा दो एक बार। घंटा कुछ नहीं हो रहा भाई, पता नहीं कितनी आगे पहुंचा दी गाड़ी, धक्का मार मार के कुछ नहीं हुआ। Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतना सज धज के कहाँ पे जा रहा हूँ। लास्ट वाले ब्लॉग की एंडिंग जिन लोगों ने नहीं देखी है, प्लीज एक बार जाके देख के आओ। और इन शॉर्ट यू कैन से अपने फ्रेंड की शादी है, इसलिए तैयार व्यार होके पूरा फुल। यार ऐसे मैंने कास्टिंग के बाद अब मैंने फॉर्मल्स पहने, इतने टाइम मैंने मुंबई में निकाला, दिल्ली में आ गई, मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना तो निकाल ही लिया। बट एनीवेज विल बी स्टार्टिंग दिस व्लॉग विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। बट इंटेंसिटी की बात ना ही करो मेरे सामने तो बेटर रहेगा, बिकॉज लास्ट नाइट में बिल्कुल भी नहीं सोया एशले के बर्थडे से आके। चुपचाप अपना डिसिप्लिन बंदे की तरह एडिटिंग करिए भाई भाई, इसको पॉलिश करने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा। ये हाल होता है जब आप लोग कास्टिंग नहीं करते 2-3 महीने तक। मैं इसको करता हूँ साफ, बैठ के रगड़ता हूँ। अपने ग्रुप का एक लड़का डाउन, ये हमारे से वैसे सबसे बड़ा है, 3 साल बड़ा हमारे से, 3 साल। उसके बाद इसका नंबर है। कोविड वाली शादी बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ये अगर आप बैंक्वेट हॉल का ये डाइनिंग एरिया ही देखते ना, अगर कोविड ना होता था बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है। ये पूरा खाली है, पूरे एरिया खाली है। अंदर बैठे बैठे एक्चुअली हम लोग बोर हो गए थे, बिकॉज वो मंत्र जो होते हैं ना वो शादी के टाइम पे जो पढ़ते हैं वो संस्कृत वाले, बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। और मेरे को नींद अलग आ रही थी, 2 दिन से सोया नहीं। ये बाहर आए थे कोई थोड़ा बहुत चलेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे, क्योंकि अपने दोस्त की बर्बादी। अरे नहीं, शादी शादी शादी, कट कट कट। Hey, what's up? So, it's the next day. कल शादी वगैरह निपटाने के बाद मैं वापस आके घर सो गया था। उसके बाद रात को सांगवान के साथ थोड़ी देर चिल वगैरह माने गए थे, पिज्जा खाने गए थे। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फोटो देखी है, गलत जले होंगे भाई उस वाली फोटो के देखी। वैसे डेली जलाते हम लोग, बट कोई नहीं, आज अभी हम लोग जाने वाले हमारा नया ब्लेड खरीदने के लिए। ट्विटर मैंने ब्लेड डाला, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए भाई ब्लेड क्या है। क्रिकेटिंग भाषा में बैट को ब्लेड भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। सो आज आई विल बी गोइंग टू परचेज माई न्यू ब्लेड, भवे भी चलेगा साथ, बट आई जस्ट हैव ओनली हाफ एन आवर टू गेट रेडी। एज यू कैन सी ऑलरेडी 5:30 इन द इवनिंग और 6 बजे तक मेरे को रेडी होना है। 4 से 5 दिन हो चुके हैं लास्ट टाइम जब मैंने शैम्पू करा था, बट शैम्पू के पहले मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा ऑयल लगाऊं रात को एंड सुबह वॉश ऑफ कर दूं। बट सो फ्रॉम लास्ट 15 डेज आई एम यूजिंग दिस आर्गन हेयर मास्क। अब इसका एडवांटेज क्या है, 15 मिनट पहले लगाओ शावर के एंड यू आर गुड टू गो। शैम्पू का टाइम पे आप लोगों को पता है कि भाई पहले ऑयल करो फिर शैम्पू लगाओ, और वो भी पूरा एक ओवरनाइट वाला प्रोसेस रहता है, तो उसको काटने के लिए दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव आर्गन हेयर मास्क। और इफ यू वांट टू यूज द ऑनियन हेयर मास्क, इट इज अवेलेबल ऑल्सो। सो गाइस, इट इज वेरी easy to use this hair mask. इसके अंदर आप लोगों को ingredients में argan, avocado oil और milk जैसे बहुत ही प्यारे ingredients देखने को मिलते हैं। If you want to apply this, इतना सा बस लीजिए। You just don't have to do anything. आप लोगों को इसको palm में लगाना है, उसके बाद आप लोगों को मसाज करनी है for 5-10 minutes and 15-20 minutes बाद आप लोगों को इसको वॉश ऑफ कर देना है। एंड एक चीज ध्यान में रखना है कि आप लोगों को इसको सिर्फ सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ ही वॉश ऑफ करना है, so that you can get extra dry and fluffy hairs. Oily hair ना बन जाए ना इसलिए। So now the massage is almost done. अब इसको 15-20 मिनट बाद वॉश ऑफ करूंगा। बट अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट मामा अर्थ की वेबसाइट से खरीदो तो मामा अर्थ आपके प्रोडक्ट परचेज के बाद एक ट्री आपके लिए प्लांट करता है, आपके नाम का प्लांट करता है। एंड ओवर देन दैट आप लोगों को उस प्लांट की फोटो भी मिलेगी जो भी उस पर्टिकुलर जियो लोकेशन पे लगा हुआ होगा। ऑल्सो मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट है सारे के सारे टॉक्सिन फ्री है, एंड सबके सब नेचुरल इंग्रीडियंट से बने, एज आई सेड आर्गन एवोकाडो ऑयल और मिल्क से बना हुआ है ये वाला प्रोडक्ट। और बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी नेचुरल इंग्रीडियंट से ही बनते हैं, बट वो सिर्फ आपके स्किन को ही नहीं बट एनवायरमेंट को भी एक अच्छा एक पॉजिटिव नोट देखे जाता है, ताकि वो टॉक्सिन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं वो एनवायरनमेंट को भी हार्म करते हैं। मामा अर्थ उन सारी की सारी चीजों को अवॉइड करता है अपने प्रोडक्ट्स में भी एंड एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए भी। So guys, if you also want to buy these two hair masks, तो आप लोग जाके mamaearth.in पे, amazon.in पे और flipkart.in पे जाके खरीद सकते हो। बट इफ यू वॉन्ट टू बाय 20% ऑफ, एक्स्ट्रा ऑफ आप लोगों को प्रोडक्ट में मिलेगा अगर आप लोग mamaearth.in पे खरीदोगे और मेरा ये 2020 कोड अप्लाई करोगे, 20% ऑफ एट mamaearth.in। डबल थम्स अप। ऑल्सो गाइस, आज की वाली वीडियो में जब भी हम लोग बैट खरीद रहे होंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है एक बैट खरीदते टाइम। बिकॉज बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्टीकर देख के कंपनी देख के बैट खरीद लेते हैं, बट हमारे पास जितनी भी नॉलेज होगी वी विल शेयर इट विद यू। बबे कौन सी जगह पे जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं डेफकॉल ओनली स्पोर्ट्स। डेफकॉल डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी अच्छा, डिफेंस कॉलेज। अरे 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 भाई, ये जगह तो हमको पता ही नहीं दिल्ली में थी। तो ये है हमारे लव भाई। अच्छा हो मास्क।
पहन लिया। हाँ। हेट मिलती वरना नहीं नहीं भाई। और एक नई पर्सनालिटी आई है, आयुष, सी आयुष। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं राइट कि वेडनेसडे को एक और मैच कल खेलने में, कल ही है वेडनेसडे, कल ही खेलने वाले हम लोग। सो कल होपफुली मैं बोलूंगा नहीं कुछ कितने रन बनाऊंगा इस बार, बट आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। कल टीम को जितवाना है, दैट इज व्हाट ऑल मैटर, बिकॉज़ कॉलेज की टीम है भाई, कॉन्फिडेंस भी चाहिए। केतन डक #केतन डक यही होता है, हरामखोर हेटर्स, शर्म नहीं आती है सांप को पाल। अरे भाई आई जस्ट नोटिस की वैसे की मैं यूवेंटस वाले जैकेट पहन गया और आज मैच भी है, रोनाल्डो वर्सेस मेसी, जानबूझ के पहन गया। पीआर स्टंट गाइस, मेरे को सही एक्चुअली नहीं पता था केतन यूवेंटस की स्पेलिंग होगा JUVENTUS। आई वॉच दैट। केतन कौन सा बैट लेगा तू? मेरा SS लेने का मन है अभी तो, उसको मेरे को शेप और हैंडल बहुत प्यारा लगता है ना। SS तू कौन सा लेगा? नहीं यार, रिबॉक ज़िगज़ैग लिया था सबसे पहले, सबसे पहले लिया था मैंने अपनी एकेडमी में, टेलीफंकन में। एक टाइम था जब मैं खेलता था, आज की डेट में मेरे को खेले हुए 8 साल हो गए यार। एक पुरानी बात बता दूं, बैट खरीदने के टाइम की, जब मैंने सबसे पहला प्रोफेशनल बैट जो SG का लिया था, उससे पहले कॉस्को वाले बहुत लिए हैं, पहला बैट मेरा चोरी हो गया था जब मेरा एक घर बन रहा था, ग्राउंड फ्लोर में रखे गया था, मैं कौन उठा के जाएगा, अगले दिन आया तो भाई गायब। हेलो, अच्छा वो क्या हुआ था आयुष? सर्जरी हो गई थी भाई के हाथ में व्हेन ही वाज इन 9th 10th, तब से क्रिकेट ही नहीं खेल पाया भाई। एक तो इंजरी बिना है, ठीक है भाई, हमें तो इंजरी भी नहीं है बट फिर भी करियर खराब हो गया हमारा। I don't know कि इस शॉप का नाम क्या है। तो शॉप का नाम है ओनली स्पोर्ट्स डेफ कॉलोनी। और भी बता दे, भैया का नंबर भी दे दे, यार स्पैम हो जाएगा, नंबर मत दियो। एडिडास का लेना है क्या? बैट तो अच्छा लग रहा है। SG नहीं भाई, SS यार, SS बेटर, बट इसका वेट बहुत प्यारा लग रहा है, इसकी ग्रेन्स भी अच्छी करती है। दैट वाज माय पर्सनल प्रेफरेंस। ये मालिक साहब यहां के PLR एक्सट्रीम। आपकी हेल्प करो, मुझे ये बताओ किस बजट का आपको चाहिए बैग? 10 के आसपास का, 10,000 के आसपास का चाहिए, या तो फिर एक बिल्कुल ही लो वेट वाला जो होगा, या तो वो बॉटम वेटेड भी चलेगा। बॉटम वेटेड क्योंकि कॉर्पोरेट खेलना है वो फिर टूट जाता है। तो अराउंड 11, अगर आपको बैग लेना है ना, तो कम से कम आप 11, 80, 90 का कॉर्पोरेट खेल रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में इतनी अच्छी बॉलें यूज होती नहीं है। तो आई सजेस्ट लाइक 11, गो विद द 1180 1190 ग्राम 1180 1190 इज द वेट गाइस। आपको नॉलेज नहीं होगी इतनी, कहीं सोच रहे हो कि इतने एक सस्ता 1100 रुपए का बैट होगा, नहीं वो वेट होता है। तो बैट में देखो मेन चीज क्या होती है कि ग्रेन्स होती है, ग्रेन्स देख रहे, ये एक ग्रेन है, ये दूसरी ग्रेन है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो प्रेफर ये करते हैं कि 5 से 6 से ज्यादा ना हो। कुछ बैट में जिसमें मल्टी ग्रेन भी होते हैं, जिसमें बहुत सारी, कम से कम 11 से 12 ग्रेन लग जाएगी, बट बेटर मेरे को ये लगता है 5 से 6 ग्रेन परफेक्ट पैरेलल हो, कहीं पे गांठे ना हो, और परफेक्ट बैलेंस बहुत जरूरी। और ये ग्रिप, किसी किसी को 3 ग्रिप भी लगाना पसंद है, सचिन भाई कितनी लगाते थे? 4। GM का देखोगे? See this is 606 lightweight with the clean grains and in your budget. सही लग रहा है ये। Very good bag. 10,700 भैया की प्रमोशन भी कर रहे हैं। देखो कंपनी और स्टीकर वगैरह कुछ नहीं होता, आप लोग सोचते प्यूमा ले लूंगा, एडिडास ले लूंगा, या तो फिर SG ले लूंगा। DACK को ऐसे बैट होगा ना जो इसके 15,000 के बैट को भी पूरा फेल होगा, इसमें नॉकिंग की जरूरत पड़ेगी? जरूरत ही नहीं है, आपको कराना है फिर भी करा। फ्री नॉक्ड है। एंड दिस टाइम मैं किसी को भी ये बैट नहीं देने वाला अपनी टीम में खेलने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, इस बैट को छूने नहीं दूंगा किसी को। बिकॉज होता पता है कि आप किसी और को देते हो, वो साइड से कत्ती मार के आ जाता है, फिर आप बोलते हो यार बैट खराब, खत्म हो गया, मजा नहीं आ रहा। लवली से लग ही नहीं रहा कि भाई मेन इंपॉर्टेंट चीज है, बैट में एक बार जो पकड़ के फील आ जाता है ना, फिर आप पूरी शॉप देख लो जो जिसमें फील आ रहा है। अपडेट ये की GM का मैंने ये वाला बैट लिया है, 10,700 का पड़ा है, बट ये भाई का बजट था पहले 6,000 का, फिर उसने बोला खरीद ले 10,000 का, और यहाँ पे 12,000 का दिखा रहे, 28,000 का भी बैट दिखाया था। आपके पास महंगे से महंगा सबसे महंगा बैट कौन सा? अभी 75,000 का बैट था, SG का था और SS का, वो सोल्ड आउट हो गया। अभी महंगे से महंगा स्टॉक में है अराउंड, मेरे पास 25-30 बैट्स पड़े हैं, अराउंड 60,000। दिखा दो एक बार, अब देखो तो सही भाई, 7,500 वाले बैट में और ये 10,000 वाले बैट में क्या फर्क है? ऑब्वियसली लकड़ी में फर्क रहेगा ही रहेगा। ये प्लेयर्स ग्रेड बैट है भाई, इसका वेट, बैलेंस, ये कितने का भैया? 60 का। Guys, GoPro Hero 9 आ जाएगा इतने में और 20,000 रुपए बचा लोगे। भाई कितने बैट पड़े, सोचो कि अपनी भी एक स्पोर्ट्स की शॉप होती है अपने पापा की, डेली नया बैट यूज करते हैं। बैट कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन एक खरीदने की औकात रखता है भाई, मैं तो कभी ना खरीदूं भाई। अगर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ तो भी मैं ना करूँ, बिकॉज भाई स्पॉन्सर मिल जाता है उस टाइम तक तो। बट अभी 10,000 का जो हमारा बजट था, दैट इज गुड, GM जिंदाबाद। सो मैं ये भी लगवा रहा हूँ बैटिंग टेप, और वैसे भी ये लोग बैट के साथ तो देते ही हैं इफ यू वॉन्ट टू परचेज बैट फ्रॉम हेयर, बिकॉज अगर आप सुबह खेल रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी सी ड्यू रहती है, एंड ड्यू के साथ साथ आपका बैट खराब होने के चांसेस रहते हैं। वुड प्लस वाटर इज नॉट अ गुड कॉम्बो।
This is Gladiator है, means right handed one pair. This is the gloves that I bought 2200 कुछ के after discount पड़े हैं. बहुत ही प्यारे हैं. Cuts बहुत प्यारे इसके fingers में and thumb पे भी है. बोल रोकड़ा गया है भाई जेब से रोकड़ा. He's from Delhi, right? ये वाला bat कितने का? ये वाला bat display bat. अच्छा display bat है. ये मेरे को अपने room में display लगाना कितने का मिल जाएगा? पता नहीं, पता करना पड़ेगा. Company ने हमें gift किया था. Okay, एक बार बात करके बता दो अगर मेरे को ये bat मिल सकता है. ये actually company ने हमें gift किया था. जो भी player आता है यहाँ पे, वो अपने signature करके जाता है यहाँ पे. Okay, वहाँ पे मेरे को राहुल द्रविड़ दिख रहे हैं, इमरान ताहिर भी है, डीजे ब्रावो, पोलार्ड, यूसुफ पठान, अजिंक्य रहाणे, एबीडी विलियर, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, रोहित शर्मा. हमारी वाली फोटो कब डाल ली? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ. एडी में मेरे को कहेगा कौन सा एडी नहीं लेना तेरे को अच्छा हाँ भैया ये 20,000 का तो भैया दिखा रहे भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है आज भाई बड़ा गंदा आ रहा है आज मेरे को लग रहा था कि एटलीस्ट इंडिया बना सकती है अरे 180 ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे पॉसिबल है यार बाय द वे विराट प्लेड वेल 84 कंसिस्टेंट बैट्समैन कार्लोस ब्रेथवेट इमरान ताहिर ड्वेन स्मिथ डोमेस्टिक तो काफी प्लेयर लेते हैं फॉकनर हो गया ये सब लेते हैं रेगुलर भैया ने अभी अभी हमें रिकॉर्डिंग सुनाई है इमरान ताहिर रेगुलर इनके टच में रहता है बैट टूर्नामेंट खेलने वाले हो सीपीएल सीपीएल कैरिबियन प्रीमियर लीग का सारा सामान यहाँ से इस सामान से इस वाली शॉप से जा रहा है समझ लो व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग सुनी है भाई हमने मुझे यकीन नहीं हो रहा मुझे प्यारी लग रही थी वाली कैप से मैंने एक ये भी खरीद लिया बीसीसीआई की ऑफिशियल कैप है नाइकी की एक भी कर देना 12 seconds later so we are back again over here at Firosha Kotla stadium Tarun Jetli stadium whatever you call it but we will call it Firosha Kotla अंकल आने वाले थोड़ी देर में बट हमारे नए बैट की नॉकिंग यहीं से शुरू हो जाएगी those who are watching my video for the first time yes यहाँ पे टेरिस क्रिकेट खेलते हैं पे नेट्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है वो देखो वहाँ पे सेल्फ ऑब्जेस्ट देख मेरे में एक ग्रेन है मेरे में दो ग्रेन है तेरा बैट बेकार है मेरा बैट बढ़िया है मेरे इंग्लिश शिप टन के नीचे अबे दोनों का सेम ही है अभी तो मैं कह रहा हूँ कुछ डिफरेंस देख रहे हैं ना कभी नॉकिंग के बाद यहाँ पे ये डॉट्स हैं और तेरी ग्रेन अलग है उधर हेलो मैं तो मोहम्मद अजरुद्दीन मनोज प्रभाकर के टाइम का हूँ भाई कोई पहचाने का भी नहीं यस yes. अच्छा आज ये सेरेमनी हो रही है हमारी कैप सेरेमनी फॉर्मर रणजी प्लेयर मिस्टर विजेंद्र राजपूत ये दे रहे हैं कैप आज हमारे नए प्लेयर टेरिस क्रिकेट में कितना आजकल परफॉर्म करे तो हमारा रूला जो परफॉर्म करता है उसमें इंडिया की कैप अंकल की तरफ से अंकल की तरफ से दी एब्सोल्युटली चलो सभी सिचुएशन ये है कि अंकल को 3 रन चाहिए अंकल का टैप का 1 रन है ठीक है चलो 2 रन चाहिए ओके अंकल यार आयुष मुंडेप प्लेयर ऑफ द डे केतन बिकॉज ही हैड टेकन ऑल द विकेट्स गुड विकेट्स and make the winning runs also he had done pretty well today so he will deserve this player of the day gift player of the day likha bhi hua hai dekho player of the day iske upar likha hua hai ye sab bahut acha performance hai aaj ka 8 lakh subscriber hue kaise bhai iska 8 lakh subscriber ye muh se supari nikal ke baat kar rahe baba iske muh mein paidashi supari hai ye totla hai आज का ज्ञान जब मांगते हैं मेरे से हाँ। तो वो भी देना पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं सो बी इको फ्रेंडली बिकॉज ये हमारे लिए जो हमारी आगे वाली जनरेशन है उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पानी का फिक्स स्टॉक है कि इस पूरी अर्थ पे जितना भी पानी है पूरी अर्थ पे 70% यस 70% 71 टू बी प्रेसिस 71 जो सरफेस एरिया है अर्थ का 70% है 30% पे हम लोग रहते हैं जितना पानी है टोटल उसका 1% यूजेबल है फॉर ह्यूमन बीइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स और 99% चाहे तो ग्लेशियर्स है या समुद्र में है क्या करना है भरोसा गैरों पे जब चलना ही है अपने पैरों पे जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा जो सड़क पे वो लगे रहते हैं ना माइलस्टोन्स आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा अरे टाइम टू लीव द अर्थ लेट्स सेटल ऑन मार्स जस्ट रीच्ड होम तो बताओ अभी भी जस्ट घर आया था और सांगवान का कॉल आया कि भाई मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है धौला कुआ पे प्लीज पेट्रोल लेके आ जा पेट्रोल ही नहीं भरवाया भाई उसने कल से कल भी मैंने उसका देखा था कि भाई ब्लिंक हो रहा मेरे को लगा कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा बन के अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेगा भाई आज बट नहीं गुड़गांव गया हुआ है उसके बाद अब रिटर्न आना था धौला कुआ में टक 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 टक
क्रैश। वैसे पेट्रोल पंप पे देते नहीं यार वो लोग बॉटल में, बिकॉज आप लोगों को पता है कि लोग मिसयूज करते हैं पेट्रोल का। ये रही भाई गाड़ी इसकी 603 DL। लेट्स सी भी, ओ माय गॉड, गाड़ी खड़ी हो गई क्या? गाड़ी खड़ी हो गई, साइड लगाओ। नहीं भाई, स्पीड लिमिट कैप्चर हुई है अभी। बताओ, गाड़ी बंद पड़ी है, डिस्कॉर्ड में बैठ गए। हद है भाई, अभी प्लान तो ये है इसको मैं गाड़ी में बिठाऊंगा। मैं 2 लीटर की पता नहीं कोई बॉटल लाया हूं, आई डोंट नो द कंपनी ऑफ पेप्सी कोला वट एवर इट इज लिमका, बट जरूर है दे देगी 2 लीटर की बॉटल ताकि गाड़ी यहाँ से हिल पाए। बस दिक्कत पता है क्या है कि ये ना दौलतों वाला हाईवे टाइप एरिया की, यहाँ पे कम से कम गाड़ी ना 100 की स्पीड पर चलती होगी। दिक्कत ये कि इसकी गाड़ी ना टो ना हो जाए यहाँ पे साइड में खड़ी खड़ी। अब हम लोगों को तो पता है कि भाई गाड़ी क्यों बंद हुई है, पेट्रोल खत्म है, बट पुलिस वालों को और टो करने वालों को थोड़ी पता है कि भाई इसका पेट्रोल खत्म हुआ था। भैया कितने लोग आते हैं सर भरवाने के लिए पेट्रोल? तो बहुत आते हैं, बहुत आते। दिन में कितने आते हैं? दो चार आदमी, ये स्प्राइट लग रही है, दो चार आदमी। अबे रहने दे, मेरे को लगा यार भैया, मेरे को लगा येलो होता होगा। एंजॉय कैंपर ऑरेंज, सांगवान एंजॉय योर कैंपर। भैया को बता रहे थे उनको, क्योंकि भाई ऐसे बॉटल में देते नहीं ना, भैया को फोटो में दिखा दो, पूछ रहे थे कि तुम क्या करते हो। मैंने बोला भैया मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ। सब्सक्राइब केटी गेमिंग, सब्सक्राइब कर दो लड़को। चलो भैया हम चलते हैं, बाय। गाड़ी खड़ी है बाहर तो ना हो जाए। यो बाय, ठीक है पैदल 1 किलोमीटर पैदल जा, पैदल जा, पैदल जा, तेज चक्कर में हुआ ये भाई। लास्ट टाइम मैंने ही पेट्रोल भरवाया था, अब समझ रहे हो, जब मैं नहीं भरवाता ना तब ये देख लो ये हाल होता है। क्योंकि 2 लीटर ही हम लोग लाए थे, 2 लीटर से क्या पता इतना वो टंकी के लेवल तक ना पहुंच रहा हूँ। अब आपको ऑडियो क्वालिटी, अरे यार उधर का भी शीशा खुला है, अब आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी मिल रही होगी। रोड बटे अपग्रेड करने वाले, 3000 वाला माइक खरीदेगा तुम्हारा भाई अभी कुछ दिनों में। यूट्यूब इनका माना था बस एक बार। खेरा धक्का मार बे यार, क्या क्या काम करवा रहा है भाई ये सांगवान, हद है भाई। ये बाप हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई तुम रगड़ोगे हमें। क्या क्या करवा रहा है यार ये, हद है भाई। घंटा कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं कैमरा वापस अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसको रखता हूँ अपने गाड़ी के अंदर, उसके बाद देखते हैं। सो गाइस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी जस्ट एडिट करके हटा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वाला वीडियो देख रहा है तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। अपने कुछ भी करके अभी 850,000 तक जल्दी जल्दी पहुंचना प्लीज। अगर आप लोग नए व्यूअर हो तो एक बार जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ऑल्सो सांगवान की गाड़ी कल ठीक हो गई थी, पता नहीं क्या स्कैम हो गया था, उसके बाद मैं वापस आ गया। लेट नाइट ही आए थे हम लोग, थोड़ा चिल मार रहे थे 24/7 में जाके। कल छोले चावल थे यार भाई, राज में चावल ना दाल चावल मिले, छोले चावल से काम चलाना पड़ा। बट एनीवेज व्लॉग करते हैं हम लोग। एंड ऑल्सो अभी जस्ट मैं निकलने वाला हूं मेरे क्रिकेट मैच के लिए। सो यस, नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट व्लॉग विल बी द क्रिकेट व्लॉग। मैं मैच क्यों बोल रहा हूं। तो चलो कोई नहीं गाइस, मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। ऑल्सो कुछ अपडेट्स मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी देता रहूंगा क्रिकेट के, सो फॉलो मी ओवर हियर और मे बी ट्विटर, दोनों में से कोई भी एक। ये देखो ना अंकल, तीन दिन नहाते नहीं है, शक्ल देखो हफ्ता हफ्ता। और ये देखो इको फ्रेंडली। आप ऐसे कितने लोग इको फ्रेंडली हो अंकल? मैंने एक्चुअली पूछा था कि आप कितने लोग सबसे ज्यादा दिन नहीं नहाए हो। एक लौंडा निकला, 1 महीने तक नहीं नहाया था। ओह माय गॉड, मतलब गल चुका होगा भाई पूरा शरीर अंदर।